तो चलिए सोया कीमा हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सोया कीमा बनाने के लिए हमने 100 ग्राम सोयाबीन लिया है और एक ग्लास हमने गरम पानी ले लिया है। तो पानी को सोयाबीन में डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे जिससे सोयाबीन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे हम सॉफ्ट होने के बाद 5 मिनट के बाद मिक्सर जार में पीसेंगे। तो 5 मिनट हो चुका है और सोयाबीन भी देखिए सॉफ्ट हो चुका है। पानी एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल लिया है सारे सोयाबीन का। तो अब इसे हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। सोयाबीन को हमने मिक्सर जार में पीस लिया है और देखिए बिल्कुल इसी तरह रहना चाहिए। इसे हम ज्यादा नहीं बारीक पीसेंगे, दरदरा ही रखेंगे। तो अब इसे हम बाउल में निकालेंगे। तो देखिए सोयाबीन को हमने पीस लिया है अच्छे से और इसे हमने बाउल में निकाल लिया है। और इधर हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है तो कढ़ाई भी गर्म हो गया है। तो इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो इसमें हम 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे और तेल गर्म हो गया है। तो हमने यहाँ तड़का लगाने के लिए 1 तेजपत्ता लिया है, 2 लाल मिर्च सूखी, 1 बड़ी इलायची और आधा चम्मच जीरा। सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे, साथ में सूखी मिर्च इसे भी हम तोड़ के डाल देंगे, 1 तेजपत्ता और 1 बड़ी इलायची और तड़का को थोड़ा हम चला लेंगे। हमने यहाँ 2 प्याज लिया है और 2 प्याज को बारीकी से कट कर लिया है। तो इसे भी डाल देंगे। प्याज को भी थोड़ा भूनेंगे। प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक प्याज थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए प्याज को हमने भून लिया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। 3 से 4 लहसुन लिया है, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च इसे हमने पीस लिया है मिक्सर जार में और इसका पेस्ट बना लिए हैं। तो इसे भी हम डाल देंगे 1 चम्मच और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। पेस्ट हमारा भून चुका है तो अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, मिक्स मसाला 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। साथ में हमने मटर लिया है आधा कप, मटर को भी हम डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार और मटर को भी थोड़ा हम भून लेंगे मसालों के साथ में। सोया कीमा बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार जरूर बनाइए। मसाले हमारे भून रहे हैं और इसमें हम 1 टमाटर डालेंगे, इसे हमने लंबाई में काट लिया है तो टमाटर को भी डाल देंगे। तो भी मसाले के साथ में भून लेंगे। टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर थोड़ा गल ना जाए। तो मसाले के साथ में टमाटर भी गल जाएगा और मटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए टमाटर भी गल चुका है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ 5 चम्मच दही लिया है, दही को भी हम डाल देंगे।
लेकिन फ्लेम हमें लो ही रखना है क्योंकि दही हमारा फटे नहीं, और इसे हम बिल्कुल चलाते रहेंगे अच्छे से कि दही हमारे फटे नहीं और मसाले के साथ मिक्स हो जाए। हमें इसे 2-3 मिनट तक चलाते रहना है। तो देखिए दही के साथ मसाले को हमने मिक्स कर लिया है और इसमें अब हम गरम मसाला डाल देंगे। तो हमने 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। गरम मसाला को भी हम मिक्स कर लेंगे और देखिए इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आपको कैसा लगता है ये रेसिपी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर हमें बताइएगा। तो दही को भी हम थोड़ा भून लेंगे। तो देखिए कलर भी कितना चेंज हो चुका है। अब सोयाबीन को जो हमने पीस के रखा है इसे भी हम डाल देंगे। सोयाबीन को हम साथ में डाल देंगे। तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में। तो देखिए सोयाबीन को भी हमने मिला लिया है और इसे भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए हमने इसे भून लिया है और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो हमने 1 गिलास पानी लिया है, तो इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। चलिए ढक्कन हटा लेंगे और ये देखिए हमारा सोया कीमा बनकर तैयार हो चुका है और ये काफी टेस्टी लग रहा है। आप इसे एक बार जरूर बनाइए। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए सोया कीमा हमारा कितना अच्छा लग रहा है और इसके ऊपर हम धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे। सोया कीमा हमारा बनकर तैयार है और ये काफी टेस्टी लगता है खाने में। इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसे आप रोटी, चावल, पराठा, पूड़ी कुछ पर भी बनाकर आप खाइए, काफी टेस्टी लगेगा। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।